वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। नमस्कार, मैं हूँ रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। मेरठ की भाजपा पार्षद पूनम गुप्ता के पति सत्येंद्र गुप्ता की बीती रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उन्हें KMC हेल्थ केयर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने हालांकि मौत का कारण अज्ञात बीमारी बताया है, लेकिन मामला संदेहास्पद होने के कारण पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लिहाजा बिस्तर सुरक्षित रख लिया गया है। चर्चा यह भी है कि सीधे से आधे परिवार में पत्नी के पार्षद बनने के बाद यदा कदा मीटिंग आदि में जाने के कारण सत्येंद्र स्वयं को इस सिस्टम में फिट नहीं पा रहे थे। हालांकि इस बात की खुली जुबान से तस्दीक करने को कोई तैयार नहीं है। पूनम गुप्ता TP नगर वार्ड 35 से भाजपा की पार्षद है। रात करीब 12 बजे के बाद एकाएक ही घर की चार दीवारी में ऐसा कुछ हुआ कि सुबह करीब 5 बजे सत्येंद्र को KMC हेल्थ सिटी ले जाना पड़ा। वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामला संदेहास्पद होने के कारण पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद सूरजकुंड पर शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। PM हाउस पर मौजूद सत्येंद्र गुप्ता के भाई ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। मेरा नाम संजय गुप्ता है। संजय गुप्ता जी, क्या घटना हुई आज आपके भाई के साथ में, क्या पूरा मामला? मुझे सुबह 5 बजे फ़ोन से बताया गया कि KMC में आ जाओ। मैं KMC में चला गया तो वहाँ पर जो है मृत घोषित कर दिया गया था। क्या नाम है आपके भाई का? क्या सत्येंद्र गुप्ता नाम है और ये पार्षद पति है और मंडल में महामंत्री है। किस वार्ड के पार्षद के? वार्ड 35, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता जी का हस्बैंड। तो पता चला कि किस कंडीशन में, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने जो देखा तो ये मृत घोषित किया, बताया कुछ नहीं। वहीं पुलिस अधीक्षक नगर विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए, ये दुखद घटना है। एक पार्षद जी थाना TP नगर क्षेत्र में हैं। उनके पति की का देहांत होने की सूचना मिली थी थाने पर और उनके परिजन के द्वारा ये बताया गया था कि किसी अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। पुलिस ने इसमें तुरंत ही शव का पंचायतनामा भरवा करके पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी में आया है कि मृत्यु का कारण इससे स्पष्ट नहीं हुआ है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। इसमें जाँच चल रही है, उसके अनुसार जैसे जैसे साक्ष्य आएंगे या किसी प्रकार का यदि कोई तहरीर आती है थाने पे तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार।